को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, आप लोग लगातार धरनों पे बैठ रही हैं, और जैसा कि कल पुलिस ने प्रोटेस्ट को हटाने के लिए भी एक मुहिम, लोगों से बात करने की कोशिश की थी और लोगों को डिटेन भी किया था, फिर बाद में छोड़ दिया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से ये प्रोटेस्ट जो बढ़ता जा रहा है, इसका सरकार पर जो रवैया है वो काफ़ी नरम दिख रहा है, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? हमारे साथ किया था, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी की आवाज़ जब जब उठी तो उन्होंने हमारा खून बहाया, कत्ल किए, पर उनके उस खून के बहने से और ज़्यादा इनकलाब उठा, और ज़्यादा हर कोने कोने से हिंदुस्तान के इनकलाब उठा और आज़ादी हम लोगों ने हासिल की। बहुत लंबे वक्त में हमने 90 साल में आज़ादी अपनी पाई थी और आज दोबारा फिर हम वैसे ही देख सकते हैं जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, पढ़ा था, वही इनकलाब दोबारा पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, हर कोने कोने में गूंज रहा है। जितनी हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जितने हम पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, हमारे भाइयों को डिटेल किया जा रहा है, और जितने बेगुनाहों का खून बहा है, जितनी लाठियां बरसाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पर लाठी बरसाओ, वही वो उसके बाद और ज़्यादा इनकलाब हमारा दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट देख ले, हम हिंदुस्तानी होने का और क्या सबूत दें, हम वही हिंदुस्तानी हैं, वही खून है हमारा जो पहले भी ऐसे ही इनकलाब लेके आए थे, आज दोबारा लेके आए हैं, इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। ये इनकलाब बढ़ता रहेगा, जितना जुल्म बढ़ेगा ये इनकलाब बढ़ेगा, और हम हारने वाले नहीं हैं, हमें पता है हमारी लड़ाई लंबी चलेगी पर हम जीतेंगे। अंग्रेजों को भी भगाया था, इन्हें भी भगाएंगे। आप इस प्रोटेस्ट में कितने दिनों से आ रही है, मतलब आपको क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात मानेगी? सरकार को बात माननी चाहिए, मानेगी ये? अब ये तो प्रोटेस्ट किस हिसाब से चल रहा है ये उनको भी दिख रहा है, लेकिन वो ये कह रही है कुछ लोग हैं, अगर वो बाहर आएं और देखें कि ये कितने लोग हैं, जैसे शाहीन बाग में भी हम लोग बराबर बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं, अभी शाहीन बाग में एक नया एजेंडा उन लोगों ने शुरू कर दिया है कि 500 रुपये में लेडीज़ बैठी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप उन पर FIR कराएं और पता करें कि क्या वाकई में ये बात सच है, और यहाँ आके बाहर निकलें, वो हमने उनको नेता बनाया है, हमने उनको वोट दिया है, तो वो आके हमसे पूछे तो सही कि क्या बात है आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, जब पूरे देश व्यापी ये आंदोलन चल चुका है इस टाइम, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? हमें तो सिर्फ इतना समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर आके हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो? वो हमारे नेता है, वो हमसे कहते हैं कि नागरिकता पे कानून बना रहे हैं, अगर हमने उनको वोट दिया है तभी तो वो नेता बने हैं, तभी तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तभी गृह मंत्री बने हैं, फिर वो हमसे हमारे कागजात मांग रहे हैं, तो वो बाहर आए आके हमसे पूछें, हमसे कहें, हमसे बताएं तो सही, हमारी बात तो सुने, जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, वो इतनी तादाद में लोग निकल कर बाहर आए हैं, ये उनको समझना चाहिए और उनको पूछना चाहिए। देश के गृह मंत्री का जैसा रवैया, उनका कहना है कि वो एक इंच भी नहीं घटेंगे, मतलब उनका ये है कि वो वापस नहीं लेंगे, वो ये चीज़ लागू करेंगे, और जैसा कि CA लागू हो चुका है, अब वो अगला कदम उनका NPR है, तो इस पर आप लोग क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, उनके लिए ठंड क्या बरसात क्या पानी वो लगातार डटी पड़ी है, लेकिन सरकार का इस पर कोई सख्त रवैया नहीं है? नहीं, उनको पीछे तो उनको हटना पड़ेगा, वो एक इंच उनके, क्योंकि वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पीछे खाई है, उनको एक इंच पीछे हटते ही वो खाई में गिरेंगे, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये इतना बड़ा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हर तबके का इंसान यहाँ पर शामिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनका एक इंच पीछे न हटने का मतलब यह है क्योंकि अगर वो पीछे एक इंच भी पीछे हटते हैं तो वो खाई में गिरेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। आप इस प्रोटेस्ट में कितने दिनों से आ रही, जैसे कि आपने 3 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप मतलब इनमें जो महिला जो है, खासकर के महिला को सबसे बड़ा योगदान रहा है, और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला, सभी धर्मों की महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, तो इस पर आप क्या मतलब देश के प्रधानमंत्री से किस तरह से अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील करना ही बेकार है, अपील सुनते ही गए, वो अपील सुनते होते तो यहाँ आज मौजूद होते, हर जगह वो मौजूद होते, जामिया के अंदर मौजूद होते, शाहीन बाग के अंदर मौजूद होते, यहाँ मौजूद होते, उनसे अपील करना बेकार है, यूजलेस है, मैं उनसे कोई अपील नहीं करना चाहती।
मुल्क में शाहीनबाग में तब्दील हो रहा है क्या? पटना, अररिया, दिल्ली, हर जगह शाहीनबाग तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चा बच्चा नारे लगा रहा है और यहाँ कितना हजारों की तादाद में यहाँ भी लोग मौजूद हैं। पूरी दिल्ली में कितनी जगह शाहीनबाग बन चुके हैं, कितने शाहीनबाग बन चुके हैं, लेकिन जो हुक्मरान है इस पर कोई तबीयत से आवाज नहीं दे पा रहे हैं, कोई तब्दीलियाँ नहीं दिख रही। जी बिल्कुल, इनका सलूक अंग्रेजों के जैसा हमारे साथ हो रहा है, इन पे कोई असर नहीं है, ये जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और हम इनका जुल्म बर्दाश्त किए जा रहे हैं, हम पीसफुली अपना हक मांगे जा रहे हैं और हम मांगते रहेंगे। क्या लग रहा है, अगर ऐसा व्यवस्था नहीं बन पा रहा, अगर ऐसा खारिज नहीं होता तो आने वाले समय में क्या होगा? पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर होगा, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर होगा, पूरे हिंदुस्तान को इनकी साजिश है, धर्म के आधार पर बांट के पूरे हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं ये, ताकि हिंदुस्तान पूरी यूनिवर्सिटीज पर अटैक कर भी तबाह करना चाहते हैं। ना हिंदुस्तान पड़ेगा ना पड़ेगा, और अंधभक्त बना रहेगा, ऐसे ही अंधभक्त बना रहेगा, और हिंदुस्तान पड़ेगा तभी तो दुनिया में नाम रोशन करेगा। ये धर्म के आधार पर बांट कर हमारे दिमागों में हिंदू मुस्लिम डालकर ये यही के यही हमें बहुत पीछे पहुँचाना चाहते हैं, और पीछे तो इन्होंने पहुँचा दिया है, हमारे हमारी कंट्री को पीछे तो पहुँचा दिया, पर हम लोग ऐसे नहीं होने देंगे, इनके मंसूबे, गलत मंसूबे इनके पूरे नहीं होने देंगे, ये इनकलाब बढ़ेगा, ऐसे ही आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सर्वे किया जिसमें ये कहा है कि जब जब हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ है बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो क्या उसी की एक साजिश तैयार हो रही है? नहीं, अब इनको फायदा नहीं होगा, अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई थी,